गाइस आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पे काफी ज्यादा वायरल हो रही। आप देख सकते हो इस वीडियो पे अभी तक 6.9 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। सो गाइस आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना। सो गाइस आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस ये वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सुपर वीपीएन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने मोबाइल में कैपकट ऐप ओपन करना है। अगर आपके पास कैपकट ऐप नहीं है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक अपनी वीडियो को ऐड करना है जिस पर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो। अब आपको क्या करना है, आपके वीडियो में जो भी म्यूजिक रहेगा स्टार्टिंग से बंद कर देना है। आपके वीडियो में अगर स्लो मोशन वगैरह नहीं है, वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कर पे क्लिक करके आप कर सकते हो, मगर आपके वीडियो करीब 9 सेकंड की रहनी चाहिए, ठीक है, इस स्लो मोशन करने के बाद। अब आपको क्या करना है, आप अपनी वीडियो में कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। वीडियो पर क्लिक करके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट का, एडजस्ट पर क्लिक करके सबसे पहले आपको ऑटो एडजस्ट पर क्लिक करना है। कंट्रास्ट पर क्लिक करना है, थोड़ी सी आपको बढ़ा देनी है। सेचुरेशन भी आपको थोड़ी सी बढ़ा देनी है इस तरीके से, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। अब आपको क्या करना है, इसमें म्यूजिक ऐड करना है, एड ऑडियो पर क्लिक करना है, नीचे एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। आपको ये वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। तो जैसे यहाँ पर मैं म्यूजिक लगा देता हूँ। अब क्या करना है, आपकी वीडियो म्यूजिक से बड़ी होती है या छोटी होती है तो आप छोटी बड़ी कर लेना, ये बड़ी वीडियो स्प्लिट करके इसका एक्स्ट्रा पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। अब बात करते हैं आपको इफेक्ट कौन से लगाने हैं। तो इफेक्ट लगाने के लिए गाइस यहाँ पर मैंने एक वीडियो पहले से बना के रख ली है, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कौन से इफेक्ट लगाने हैं, ऐसे आपकी अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसमें कुछ स्प्लिट लगा लेते हैं। 2 फिंगर से वीडियो क्लियर को फुल जूम करना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको धीरे धीरे आगे चलना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये 0 सेकंड देख रहे हो, 0 0 आ रहा है, 22F है। तो फर्स्ट वाला स्प्लिट आपको यहाँ करना है, अपनी वीडियो में आगे चलना है इस तरीके से। सेकंड वाला आपको यहाँ करना है, देखिए ये 1 सेकंड आ रहा है, 0 1 सेकंड, 14F पर सेकंड वाला करना है आपको। थर्ड वाला आप कहाँ करोगे, थर्ड वाला आपको यहाँ करना है, 2 सेकंड आ रहा है ना, ये 2F है। उसके बाद जो डॉट है, थर्ड वाला आपको यहाँ करना है। फोर वाला आपको कहाँ करना है, यहाँ पर देखिए 2 सेकंड आ रहा है, 22F पर, फोर वाला हो गया। फाइव वाला स्प्लिट आपको यहाँ करना है, देखिए ये 3 सेकंड आ रहा है, उसके बाद जो 14F है डॉट है, फाइव वाला आपको यहाँ करना है। सिक्स वाला का हिसाब आपको यहाँ करना है, 6 सेकंड देख रहे हो आप, 26 डॉट है, सिक्स वाला आपको यहाँ करना है। सेवन वाला आपको यहाँ करना है, 8 सेकंड आ रहा है ना ये, 20F पर सेवन वाला। बस आपको इसमें 7 स्प्लिट लगाने हैं। अब बात करते हैं आपको इफेक्ट कौन से लगाने हैं। सबसे पहले एनिमेशन वाले इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले वीडियो पर नहीं लगाना, सेकंड पर लगाना है आपको। सेकंड वीडियो पर क्लिक करना है, एनिमेशन में क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको मिलेगा, देखिए ये देख लेता हूँ मैं, स्विंग टॉप लेफ्ट, ठीक है, स्विंग टॉप लेफ्ट नेम का आपको मिल जाएगा, स्विंग टॉप लेफ्ट, ये आपको इनमें मिल जाएगा, ये लगाना है आपको सेकेंड वाली वीडियो पर। थर्ड वाली वीडियो पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको लगाना है यही स्विंग टॉप लेफ्ट, थर्ड वाली वीडियो में भी आपको यही लगाना है। और यहाँ पर फोर वाली वीडियो पर क्लिक करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है। फोर वाली वीडियो में कौन सा लगाना है गाइस, फोर वाली वीडियो में लगाना है आपको स्विंग बॉटम राइट, फोर वाली वीडियो में, ठीक है। और फाइव वाली वीडियो में आपको कौन सा लगाना है, क्लिक करना है, फाइव वाली वीडियो में लगाना है आपको रॉक हॉरिजॉन्टली वाला, ठीक है। और सिक्स वाली वीडियो में आपको लगाना है रॉक वर्टिकली वाला। और सेवन वाली वीडियो में कौन सा लगाना है देख लेता हूँ मैं, सेवन वाली वीडियो में आपको इसमें से नहीं लगाना, एट वाली वीडियो में लगाना है आपको रॉक हॉरिजॉन्टली वाला, ठीक है। इस तरीके से हो गए आपकी सारी वीडियो। अब बात करते हैं दूसरे इफेक्ट की। अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए नीचे शुरू में आ जाना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा वीडियो इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्लिक करना है। अब आपको इसमें मिलेगा इस डायमंड जूम नेम का बिलर, डायमंड जूम लगाना है, राइट कर देना है। और इसकी लेंथ आपको कहाँ तक रखनी है, जहाँ तक आपने सेकेंड वाला स्प्लिट करा था अपना, ठीक है। बाकी इफेक्ट पर क्लिक करना है, नीचे एडजस्ट पर क्लिक करना है, इसका साइज वगैरह आपको इतना रखना है, ठीक है, हो गया इतना काम। आपको आगे चलना है, आपको कहाँ पर आना है कैसे आपको ध्यान देना है, तभी आपका बीट के हिसाब से इफेक्ट लगेगा। आपको यहाँ पर आना है, देखिएगा इस यहाँ पर तो 2 सेकंड आ रहा है और यहाँ पर 14F आ रहा है, आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। ये लगाना है आपको ब्लैक फ्लैश, ब्लैक फ्लैश आपको कहाँ मिलेगा, देखिए वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नाइट क्लब में क्लिक करना है। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, देखिए ब्लैक और फ्लैश, ठीक है, इफेक्ट आ जाएगा सर्च करोगे आप, या वैसे भी आप ढूंढ के लगा सकते हो। देखिए फर्स्ट में आ गया ब्लैक फ्लैश,
आप देख सकते हो, ठीक है, लगा लेना आप यहाँ से या ढूंढ भी सकते हो आप। ब्लैक फ्लैश लग गया, मगर इसका साइज आपको बिल्कुल छोटा सा कर देना इस तरीके से पास को ला के, और स्टार्टिंग आपको यहीं से करना है। मैंने बताया था आपको 14F 2 सेकेंड 14F इतना हो गया। अब आपको इसका एक कॉपी करना है, क्लिक करके ना कॉपी करना है इसका, और वो जो सेकंड वाला पार्ट होगा ना वो 18F पर रोक देना है लाकर। सेकंड वाला हो गया, अब आपको इसका एक कॉपी और निकालना है, क्लिक करके डुप्लीकेट, और वो आपको यहाँ रखना है। देखिए टाइम देखिए 26F है ना, डॉट जो है यहाँ पर रखना है आपको थर्ड वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे चलना है, आपको कहाँ आना है देखिए, यहाँ पर लगाना है कलरफुल वाले इफेक्ट लगाना है आपको ये। तो ये आपको कहाँ मिलेगा देखिए, 4 सेकंड पर आने के बाद जो 8F है ना डॉट पर, यहाँ पर आपको रुकना है, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस कलरफुल नेम का इफेक्ट। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सर्च कर लेना, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेलिंग देखिए इसकी कलरफुल, आप देख रहे हो ये कलरफुल आ रहा है, ये लगा देना। इसका साइज़ भी आपको बिल्कुल छोटा सा कर देना है इस तरीके से, ठीक है। बाकी देख लेता हूँ मैं, आपको इसका एक कॉपी और करना है, वो कॉपी करके आपको यहाँ पर लाना है देखिए खींच कर, 5 सेकेंड के बाद जो 10F है ना डॉट है यहाँ पर लाना है, मगर आप इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी कर देना इस तरीके से। अब बात करते हैं आगे चल रहे हैं, आपको देखिए एक आगे लगाना है ये कलरफुल वाला इफेक्ट, इसका कॉपी करके एक और ले आना है आपको आगे को प्रेस करके, 8 सेकेंड के बाद जो 8F है ना यहाँ पर रख देना है इसे करीब, तीन हो गए इसके भी। अभी आपको आई बटन वाले इफेक्ट और लगाने, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपने वीडियो स्प्लिट करी उनके बीच में जो व्हाइट एंड ब्लैक निशान आ रहा है, फर्स्ट वाला छोड़ देना है, सेकंड छोड़ देना है, थर्ड छोड़ देना है, फोर्थ छोड़ देना है, फाइव छोड़ देना है, आपको आना है गाइस देखिए 6 पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है लाइट इफेक्ट पर। लाइट इफेक्ट में आपको ब्लेंच मिलेगा, इसका साइज़ आपको कर देना है 6 पर 6 वाला आई बटन पर लगाना है आपको, और आपको ये बस 6 वाले पर ही लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। अभी गाइस हमारी वीडियो बन गई है, आई होप आपके अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई लाइक ज़रूर से करना, वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर साइज पर क्लिक करके यहाँ से वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।